ये मेन सीवेज की पटाई हो रही थी, ये मेन सीवेज की पटाई की है, ये बजरी इसमें डाली है, ठीक है। जो छोटी वाली बजरी होती है ना, वो मेन सीवरेज के जब नीचे डालेंगे ना, तो उससे ये होगा कि ये कभी सीवरेज बैठेगा नहीं। सबसे पहले आपने इसका ना लेवल निकालना है। लेवल निकलेगा ए तो इसकी ऊपर साइड, दूसरी साइड पे ना वो निशान लगेगा, ठीक है। इधर से आप ले सकते हैं, इधर से भी ठेका ले सकते हैं, क्योंकि ये डीपीसी जो होती है ना, डीपीसी लेवल में डली होती है हर एक की, ठीक है। आप इधर से ले लिया, अगर नहीं समझ आ रही तो आप वाटर लेवल के साथ निशान लगा कर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और सेकंड ये देखिए, जब भी हमने पाइप डालने ना, इसके नीचे रूढ़ी डालकर धमूसा लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे ये होगा कि कभी आपका सीवरेज बैठेगा नहीं। अब इसके साथ ईंटें लगेगी, ईंटें लग के और इसका अगला जो प्रोसीजर है ना, वो ये है कि बजरी डलेगी। अब ये देखिए, इसकी होदी की खुदाई की है, ठीक है। इधर भी अभी रूढ़ी डलेगी, रूढ़ी डल के धमूसा लगेगा, धमूसा वो लड़का लगा रहा है अभी एक। अब चले जाते हैं वाशरूम की तरफ। ये आगे वॉशरूम की तरफ देखें, वॉशरूम में भी जो हम काम कर रहे हैं ना, काम करने का जो सही असूल होता है ना, वो यही है कि इसके नीचे सबसे पहले इसका लेवल निकाला जाए, ठीक है। लेवल निकालने के बाद रूढ़ी डाली जाती है, रूढ़ी डालकर फिर इसके ऊपर पाइपिंग की जाती है, ताकि उससे ये होता है कि कभी भी ये पीटरा बैठेंगे नहीं, नीचे से जगह नहीं बैठेगी और हमारा सीवरेज डाउन होने का कोई चांस ही नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर अभी कॉन्क्रीट भी होगी, अब इसके ऊपर अभी पट्टियाँ लगेंगी, ठीक है। मज़ीद इसके ऊपर पट्टियाँ लगेंगी, फिर एक और वीडियो साथ में लगा दूंगा। अभी पीछे लड़का एक पट्टियों वाला भी रखा हुआ है। ओके जी, ये देखिए, जो आगे मैं वीडियो बना रहा था, ये सीवरेज कर दिया हमने, अब उसका लेवल चेक करवाते हैं आपको। ये देखें, ये पी ट्रैप है, ये इसका लेवल है, ये देखें, ये मेन का लेवल जा रहा है, ये चेक करें, ये पी ट्रैप है और ये भाई मेन पे रखे, ज़रा हाथ पीछे कर लो, ये देखिए, ये मेन हमारी, ये देखिए, ये हमारी मेन जा रही है पीछे तक, ये इस मेन का हमारा लेवल आया हुआ, ये देखिए। साथ वाली पे रखो यार, ये देखिए, ये किचन की जो हमने निकाली हुई है मेन, इसका लेवल आई, ये देखें, ये भाई पट्टियाँ कर रहे हैं इस पर पीटरा पे, ए वन काम हो रहा है। भाई ज़रा पीछे होइएगा, अकबर भाई ये पट्टी दिखाइए ज़रा भाई को। ये पट्टी करने का फ़ायदा ये होता है कि माइनर सी लीकेज भी नहीं होती, अल्लाह ना करे इधर कोई मसला वगैरह होता है, ईंट लग जाती है कोई मसला है, तो ये इधर टूटने का ख़तरा नहीं होता। ये देखें, ये आगे हम मेन डाल के इंशाल्लाह आपको फिर दिखाते हैं, आगे के ज़रा वीडियो भी फिर बनाते हैं इसकी।